रुपदास जी आगे सिद्धांत विचार में कहेंगे, जाको हियो अति सरस होई, ये रस तिनके उर में आवे। जाको हियो सरस अति होई, ये रस रीति ही समझे सुई। और कठोर शब्द बोलने से, किसी के साथ कठोर व्यवहार करने से हृदय कठोर हो जाता है। आपके हृदय में कठोरता आती है, जड़ता आ जाती है, भावग्राही नहीं रहता हृदय, द्रवीभूत नहीं होता भगवत भाव में। चाहे आपने वो कठोर व्यवहार किसी भी कारण से किया हो, पर उस पर जो प्रभाव पड़ेगा सो पड़ेगा, एक भक्त हृदय पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए भरसक प्रयास करना चाहिए इससे बचने का। और फिर कह रहे हैं निस्प्रेही और निर्वैरता, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। एक और बात आपको बताऊं, जो अजात शत्रु होता है ना, जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान चले किनके पीछे पीछे, विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र कौन है? सारा विश्व जिनका मित्र है, जिनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है। आपका कोई शत्रु हो, अपने आप को समझता हो, समझने दीजिए, आप मत बनिए। कह रहे ताको शत्रु ना कोई, आप अपनी ओर से अहित चिंतन मत करिए। संत तो कहते हैं कि जो तोए कांटा बोए, वाय बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। किसी का दिया आपके पास नहीं आ रहा भाई, आपका दिया आपके पास लौट कर आ रहा है। आपको लगता है किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, आपका किया, आपका लिया, आपका दिया आपके पास लौट कर आ रहा है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, देते समय सावधान रहिए, देते समय सावधान रहिए, अच्छे से अच्छा दीजिए, उत्तम से उत्तम दीजिए। एक संत के मुख से मैंने बहुत वर्षों पहले सुना था, वो कहते थे, बोले बेटा कभी रेगिस्तान की यात्रा करे तो पानी बांध कर मत ले जाना अपने साथ, बोले प्यासे को पिलाते रहना तुझे वहां पर मिलेगा। बोले तू प्यासे को पिलाते रहना तुझे वहां मिलेगा, कोई है, कोई है जो वहां तुझे देगा। आप दूसरा कार्य करते हैं, आप अपने लिए समेट कर संभाल कर तिजोरी में बंद करके रखते हैं। कभी पूछो जिनकी भरी हैं तिजोरियां, कभी उसमें से कुछ किसी के काम आया? कभी नहीं आया। क्या उन्हें रोग नहीं हुआ? क्या उन्हें पीड़ा नहीं हुई? क्या उनके जीवन में कोई कष्ट क्लेश नहीं है? क्या उस घर में मृत्यु नहीं होती? क्या उस घर में कभी वैद नहीं आता? क्या नहीं होता बताओ? क्या उस हृदय में चिंता नहीं होती? क्या वो हृदय कभी निर्भयता का अनुभव कर पाता है? एक बार आंख खोलकर देखिए तो सही, विचारिए तो सही। जो आपका दिया है वो सुरक्षित है आपके पास, वो वहां तक जाएगा, वो वहां तक जाएगा। इसीलिए जब देने की बात आए, और मैं तो कहूंगा ना दे सको तन से, ना कर सको धन से कुछ सेवा, तो मन से सद्भाव देते रहिए। मन से सद्भाव की सेवा इस सृष्टि की, जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए वर्षों से मैं आपसे कहता हूं, 5 मिनट का समय निकालिए, हरि नाम का कीर्तन करिए, जप करिए, जो भी आपको अनुकूल हो करिए, पर अपने मन में एक भाव रखिए, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। महाराज श्री जी की कृपा से लगभग 7-8 बरस पहले हमने इसको शुरुआत किया, और लाखों लोग इस भाव में जुड़े, और उन्होंने अपने अपने अनुभव लिखकर भेजे, आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। हजारों पत्र मेरे पास में आए, और बहुत लोगों का यही अनुभव था कि सबके हित का भाव तो अभी भी मन में नहीं आता, लेकिन अब मन किसी का अहित चिंतन नहीं करता। इसका अर्थ है कि अब मन स्वस्थ हो रहा है, अब मन स्वस्थ हो रहा है। आप तन से सेवा नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं, आपके पास धन भी नहीं है, इसमें भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके पास मन है, उस मन को दरिद्र मत रहने दीजिए, मन को संपन्न बनाइए, मन को समृद्ध बनाइए, दीजिए इस संसार को। आप सद्भाव दे सकते हैं संतों की बात को स्मरण करके, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। 5 मिनट के लिए नाम जपिए, कीर्तन करिए, गाइए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं,
आपकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार होती आई है, क्यों अनसुनी रहती आई है? क्योंकि प्रार्थना दूषित है, प्रकृति जाने ही नहीं देती उसे प्रभु के द्वार तक। आपकी प्रार्थना कैसी है? मेरे घर ऐसा हो जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरा परिवार स्वस्थ हो जाए, मेरा व्यापार चलने लगे। ये जो मेरा है, यही आपकी प्रार्थना को दूषित बनाए रखता है। आप प्रार्थना करो भगवान से, मेरे घर बरसात हो जाए, हो जाएगी? संभव है? ऐसी कोई व्यवस्था है? ऐसी प्रार्थना करिए, प्रभु वर्षा हो जाए। वर्षा होगी तो आपका घर भर ही जाएगा। तो जब प्रार्थना करिए ना, तो मेरा तेरा हटाकर करिए। कम से कम हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने तो यही सिखाया है। लोक समस्त सुखिनो भवन्तु। कम से कम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तो मैं पीछे मुड़कर यदि देखूं तो मुझे सर्वाधिक लाभ इसी भाव से मिला। कुछ घड़ियां, कुछ क्षण, बस सर्व के प्रति सद्भाव हृदय में रखते हुए, झूठा सच्चा जैसा भी हो, झूठा ही रखिए, पर रखिए, अभ्यास करिए इसका। यहीं से दिव्यता का द्वार खुलेगा आपके जीवन में। लोक संग्रह के लिए, लोक रंजन के लिए तो सब जीते हैं भाई, पर प्रभु के जन लोक मंगल के लिए जीवन धारण करते हैं। उनके जीवन धारण करने से लोक का मंगल होता है। इसीलिए संत कहते हैं, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछुआई, दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछुआई, ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाए, ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। अब ऐसा तो भाई आप और मैं कैसे कर पाएंगे? कह रहे दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछुआई और ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। और मुझे लगता है कि भाई ठाकुर जी ऐसा करने भी नहीं देते। यहाँ तो वृंदावन वास करने वाला तो मंगला से शयन पर्यंत किनका किनका भी पाए तो पेट भर जाता है। यहाँ तो मैंने प्रसाद बंद किया तो महाराज जी बोले कि अरे हम तो खिलाएंगे, हमें आप खिलाने से क्यों रोकते हो? तो यहाँ तो भाई ठाकुर जी ने व्यवस्था ऐसी की है। अब खबर नहीं ध्रुवदास जी ने ऐसा क्यों कहा है, उस समय ऐसी स्थिति रही होगी, पर अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं क्यों कहा है। देह स्वाद छुट जाए सब कछु होए छीन शरीर, देह स्वाद छुट जाए सब कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े बिहरे जमुना तीर, प्रेम रंग उर में बढ़े बिहरे जमुना तीर। अगली पंक्ति में इसका उत्तर दे रहे, कह रहे देह स्वाद छूट जाए से। यहां कहने का तात्पर्य उनका ये है कि जो सहजता से प्रभु की इच्छा से प्रभु का प्रसाद मिले वो पाए। अब जैसे एक बार एक माताजी ने मुझसे पूछा, बोली आप भोग लगाते हैं तो क्या प्रभु पाते हैं, क्या वो खाते हैं? तो हम भोग लगाते ही कैसे हैं, हमारे मन की जो इच्छा होती है हम वो प्रभु को भोग लगाते हैं। अपने मन की इच्छा से ही भोग बनाया, अपनी इच्छा से ही पवाया। आप प्रभु की रुचि से पवाइए तो प्रभु तो पाएंगे। अरे भक्तमाल झूठ बोलती है क्या? ये शास्त्र पुराणों में जो कथाएं सब झूठी है क्या? भक्त खिलाता है और भगवान खाते हैं। हाँ, अब भक्त थाली में रोटी रखे दो और पता हो कि आनी तो मेरे ही पास में है, तो इतने चतुर तो हैं भाई प्रभु कि बेचारा किस भाव से ला रहा है। अब जिस भाव से ला रहा है उसी भाव से हम पा लेते हैं। हमको दिखाने के लिए ला रहा है तो हम भी देख लेते हैं। आप पवाने के लिए पकाओ तो वो पपा भी लेंगे, पर आप दिखाने के लिए भोग ले जाते हो। यहीं पर तो आकर एकादशी के विषय में प्रश्न खड़ा होता है। देखिए शास्त्र का एक नियम है कि कहीं भी अगर भगवत विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो 24 घंटे के भीतर अन्न का भोग लगना आवश्यक है। ये तो शास्त्र का नियम है, इसको तो सब मानते हैं।
और भोग लगाते भी हैं। पर मुझे एक प्रश्न ये पूछना है कि एकादशी के दिन क्या प्रसाद प्रसाद नहीं होता? उस दिन उसका त्याग क्यों किया जाता है? और मैंने तो कहा था पूर्व भी जब चर्चा व्यास जी की वाणी के समय हुई थी तो मैंने कहा था भाई ये तो शिष्टाचार है, जो बड़ा हो उसका आदर पहले किया जाता है, उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। अब कृष्ण बड़े हैं कि एकादशी बड़ी है? कृष्ण बड़े हैं, एकादशी तो अनादि नहीं है, एकादशी का तो जन्म हुआ था मुर नामक दैत्य से लड़ते लड़ते, और श्रीमन नारायण के उरु से एकादशी का प्राकट्य हुआ था। पर श्री कृष्ण तो अनादि हैं, वो तो सबसे बड़े हैं, तो यदि दोनों सामने आ जाएं, एकादशी भी हो और श्री कृष्ण का प्रसाद भी हो, तो पहले किसका आदर किया जाना चाहिए? श्री कृष्ण के प्रसाद का आदर किया जाना चाहिए। और प्रसाद में अन्न बुद्धि करना भगवत अपराध है। शास्त्र इसी इसका भी प्रमाण देता है कि प्रसाद में अन्न बुद्धि करना ये भगवत अपराध है। अब भाई मेरे ठाकुर जी तो एकादशी के दिन कहते हैं खीर खाने का मन है, अब उनसे क्या कहूँ, एकादशी है, अब बनाकर खिलानी पड़ती है। अब जब वो खा लेते हैं तो भाई फिर खीर नहीं है तो प्रसाद है। मैंने आपसे बताया था ना, काशी के एक पंडित जी आए, आते ही बैठते ही बोले 5 सालों से अन्न नहीं खाया हमने, तो मैंने भी 2 कदम आगे जाके बोला हमने तो 7 से नहीं खाया। तो बोले आप क्या खाते हैं? उनका प्रसाद पाते हैं हम तो, अन्न पाए हुए तो 7 बरस हो गए, भोग लगाते हैं प्रसाद पाते हैं। और फिर व्यास जी तो बड़ी बड़ी कठोर बात कहते हैं, राखे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर, बांधे जमपुर जाएंगे मुख में परी है धूर। तो कभी ऐसा अवसर आ जाए ना, आपकी एकादशी हो और कोई आपको दे दे प्रभु का प्रसाद, तो खा लेना, उसका अनादर नहीं करना, उसकी अवज्ञा नहीं करना। पाप आता हो आपके पास तो हमारे पास भेज देना, कम से कम अपने आचार्य की कृपा से हमें इसका भय तो नहीं है। व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। प्रसाद मिले तो प्रसाद का निरादर नहीं करना, और प्रसाद का आदर क्या है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे ही प्रसाद हाथ में आए उसका कण अपनी जिह्वा पर रख लेना चाहिए। प्रसाद बुद्धि यही है, प्रसाद का आदर यही है। अपने मन की इच्छा से केवल अपने स्वाद की पूर्ति के लिए साधक इस प्रपंच में ना पड़े। आगे एक स्थान पर कहेंगे, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। अपनी इच्छा ना हो, अपना प्रयास ना हो, नहीं तो कबीर जी की बात याद कर लेना, खट्टा मीठा चरपरा पर जिभ्या सब रस ले, चोरों कुतिया मिल गई अब पहरा किसका दे। उलझा लेगी जीभ इसी स्वाद में, इसी रसना के स्वाद में उलझोगे। और एक और बात, जो विषय का सेवन है वो यहीं से आरंभ होता है, इसलिए सबसे पहला नियंत्रण रसना पर नियंत्रण बताया गया है और महत्वपूर्ण होगा। तभी ध्रुवदास जी बता रहे हैं कि देह स्वाद छूट जाए सब। हमने संतों को देखा, मान लो उनको 4-6 व्यंजन मिल भी जाए प्रसाद में, तो वो क्या करते, सब मिलाकर पा लेते हैं। 4-6 व्यंजन मिल भी जाए तो वो सब मिलाएंगे और पालेंगे, क्या है, माने देह को स्वाद का लोभ ना रहे, देह स्वाद के चक्कर में ना पड़े। देह स्वाद छूट जाए सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर्मे बढ़े और बिहरे जमुना तीर। जुगल रूप की झलक उर नैनन रह झलकाई, जुगल रूप की झलक उर नैनन रहे झलकाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। और वैसे भी भाई एक मन है कि तो भोजन ही कर लेगा और के भजन ही कर लेगा, मन तो एक है ना कि तो भोजन में लग जाएगा और के भजन में लग जाएगा, भोजन से हटाओगे तो भजन में लगेगा, भोजन से हटाओगे तो भजन में लगेगा। अरे मैंने देखा है भाई, आज एकादशी होती है ना तो कल द्वादशी को रसोई में क्या बनेगा, आज से ही उसका कार्यक्रम बनना आरंभ हो जाता है, कल ये बनाएंगे और कल ये पाएंगे। अरे प्रेम का देश है भाई, यहाँ के रसिक संत तो कहते हैं एक है दशा, हमारे यहाँ की एकादशी क्या है, एक है दशा। और वो एक दशा क्या है,
भोर भय से सांझ ढरे तक बस सेवा को ही नेम हमारो। युगल रूप की झलक उर नैनन रहे झलकाई हृदय में नेत्रों में, युगल का रूप झलके। बस हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी साधना है, उस भाव का साधन हमें करना है कि प्रियालाल के चरणों की विस्मृति ना हो, युगल के रूप की झलक हमारे हृदय और हमारे नेत्रों में रहे। भोली सखी कहती हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, यमुना तट कब रात बिताऊं, यमुना तट कब रात बिताऊं, दर्शन आस लुभानी बैठी, दर्शन आस लुभानी बैठी। नेत्रों का श्रृंगार क्या है? प्रियतम के दर्शन की अभिलाषा ही नेत्रों का श्रृंगार है। दर्शन आस लुभानी बैठी, दर्शन आस लुभानी बैठी, नैनन नीर बहाऊं, नैनन नीर बहाऊं, रात बिता कब रात बिताऊं, यमुना तट कब रात बिताऊं, कब हूं गुण गण गुनत कृपानिधि, कब हूं गुनत कृपानिधि, बैठी बैठी अकुलाऊं, बैठी बैठी अकुलाऊं, रात बिताऊं यमुना तट कब रात बिताऊं, यमुना तट कब रात बिताऊं, ये मेरी आस पुजाइए भोरी, ये मेरी आस पुजाइए बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं, रात बिताऊं यमुना तट कब रात बिताऊं, यमुना तट कब रात बिताऊं, दर्शन आस लुभानी बैठी, दर्शन आस लुभानी बैठी, नैनन नीर बहा बिताऊं। आवे छबि की झलक उर
झलके नैननवारी आवे छवि की झलक उर झलके नैननवार चिंतत श्यामल गौर तन सकही न तन ही संभारी चिंतत श्यामल गौर तन सकही न तन ही संभार आवे छवि की झलक उर और झलके नैनन वारी जैसे ही भजन भावना में एक झलक मिले बस बस फूट पड़े प्रेमाश्रुओं की धारा यही वृंदावन के वास का परम फल है भाई मिलन चटपटी ही में लागे बोली सखी एक स्थान पर कहती हैं इतनी बात कृपा कर दीजे इतनी कृपा कर दीजे मिलन चटपटी ही में जागे मिलन चटपटी ही में जागे बिरह ताप तन छीजे विरह ताप तन छीजे कृपा कर दी जो पूर्व में मैंने कहा ना कि देह स्वाद छूट जाए सब प्रेमी हृदय जिसके हृदय में केवल केवल और केवल अपने प्रेमास्पद के सुख की भावना है वो अपने सुख का विचार कैसे कर सकता है और ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में स्पष्ट करते हैं कि जब ताई अपनो सुख चाहिए तब ताई प्रेम कहां पाई खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने माने ये केवल साधक को एक कसौटी दी है स्वयं को कसने के लिए किस कसौटी पर स्वयं को कसते रहना जब तक विषय के सुख का लोभ है जब तक विषय के सुख का लेश मात्र भी कहीं भीतर लोभ है तब ताई प्रेम कहाँ पाइए क्यों क्योंकि प्रेम का दीप जलते ही तो विषय का अंधकार दूर होता है जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ काम नहीं रहा तो वस्तुतः साधक को ये एक कसौटी का पत्थर दिया है अपनी भजन भावना को कसते रहने के लिए कि कैसा है हमारा मन आप सेवा में रहेंगे आप भजन में रहेंगे स्वयं को देखते परखते भी तो रहना पड़ेगा ठोकते पीटते भी रहना पड़ेगा ये संतों ने कसौटी दी है और वृंदावन का वास फलीभूत हो रहा है वृंदावन का वास सफल हो रहा है वृंदावन का वास सार्थक हो रहा है इसकी कसौटी बताते हैं आवे छवि की झलक उर जैसे ही स्मरण हो जैसे ही एक याद आए जैसे ही एक झलक उर अंतर को मिले प्रिया लाल की राधा वल्लभ लाल की झलके नैनन वारी चिंतत श्यामल गौर तन सकही न तन ही सभा जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग दिवस सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग दिवस सघन वन में फिरे गावत युगल सुहाग जीरन पट अति दीन लट ये तो भाव में प्रेम में रंगे पगे एक 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 रसिक की भाव मूर्ति का वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं जब 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 चढ़ता है प्रेम का ज्वर तो कैसे छूट जाता है विषय का सुख और जीरन पट अति दीन लट अब इस छवि का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है पर एक रसिक की भाव मूर्ति का वर्णन करते हैं कैसा होता है उसका दर्शन माने उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसे संसार के किसी सुख की कोई सुध नहीं है उसे देखकर लगेगा या ही न चाही कबहु कछु बस तुम संग सहज स्नेह यही बात भोरी सखी कहती हैं तुम मोहे मिलो
न मिलो कृपा निधि, तुम मोहे मिलो न मिलो कृपा निधि। हृदय प्रेम सो भीजे, हृदय प्रेम सो भीजे, कृपा कर दीजे इतनी बात, कृपा कर दी। तुम मोहे मिलो न मिलो कृपा निधि, बस हृदय प्रेम से भीजे। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। और मुझे लगता है प्रेम का भजन तो यही है भाई, प्रियतम के दर्शन की अभिलाषा नेत्रों में सजी हो, प्रियतम का गुण जिह्वा पर नृत्य करता हो, हृदय में प्रियतम के चरणों का प्रेम भरा हो और हाथ में प्रियतम की सेवा हो। महाप्रभु श्री सुधा निधि में वर्णन करते हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरतां वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतुम हृदयं तस्याः पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति, तत्प्राणनाथे रति। भोरी को अवलंब न दूजो, भोरी को अवलंब न दूजो, टेर टेर के जीजे। आपको पुकारना ही हमारा जीवन है। इन वृंदावन की कुंज गलियों में, इन वृंदावन की कुंज गलियों में डोलना और आपको पुकारना, यही हमारा भजन है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सुख है। साधनहीन दीन मेराधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर, श्री राधे कीजे दुखी। दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगती है इस भाव की, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, ब्रज की कोरी, तुव गुण गाऊं दिवस बिताऊं, तुव गुण गाऊं दिवस बिताऊं, दृग झरला विभोर, श्री राधे कीजे कृपा की को, सरस किशोरी वयस की थोरी,
रति रस बोरी कीजे कृपा की गोर श्री राधे कीजे कृपा कर दी इतनी बात कृपा कर दीजे रस में देखत फिरे बन नैनन बन रहे आई रस में देखत फिरे बन नैनन बन रहे आई कहूं कहूं आनंद रंग भर परे धरनी ठहराई कहूं कहूं आनंद रंग भर परे धरन ठहराई ऐसी गति है कबहू मुख निसरत नहीं बैन ऐसी गति है कबहू मुख निसरत नहीं बैन देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन देखी देखी वृंदा विपिन भर भर ढारे नैन कहते ऐसी गति है कबहू मुख निसरत नहीं बैन कि कब प्रेम से आपूरित हृदय और कंठ स्वर गदगद हो जाए कुछ कहा न जाए और देख देख वृंदा विपिन भर भर ढारत नय रसमय देखत फिरे बन पूर्व चर्चा हुई थी कि जब लग सहज न बदले फुरे न जहां तहां भाव इसी वृंदावन में जब तक आपको उस वृंदावन की झलक न मिलने लगे आप देखें तो इस वृंदावन को लेकिन आपको स्मृति उस निकुंज वाटी की हो और भाई प्रेम तो ऐसा ही करता है प्रेम तो ऐसा ही करता है कहने वाला कहता है कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है प्रेम को प्रेमास्पद के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो जब वृंदावन से अनुराग होता है जब वृंदावन से ये प्रेम भावना प्रगाढ़ होती है फिर रसमय देखत फिरे बन यही वृंदावन यही यमुना जी का कूल जो आज हमें कुछ और दिखाई पड़ता है आज अनुभव में कुछ और आता है दृश्य बदल जाता है जैसे ही दृष्टि बदलती है ये दृश्य बदल जाता है देख देख वृंदा विपिन भर भर ढारे नयन भाई मैं पहले ही कह चुका ये कसौटी का पत्थर दे रहे हैं ध्रुवदास जी अपने मन को कसने के लिए कि क्या हमारी ऐसी स्थिति है हम ऐसे भाव के कहीं निकट पहुंचे हैं यदि नहीं पहुंचे हैं तो इसका मतलब वृंदावन में जिस रहनी से रहना चाहिए हम नहीं रह रहे हैं पहले वृंदावन की रहनी बताई है फिर इस रहनी से रहने पर क्या प्रसाद मिलता है ये बता रहे हैं यदि उस रहनी से रहे हैं तो फिर ये प्रसाद मिलेगा वृंदावन तरु तरु तरे धरे नैन सुख नीर वृंदावन तरु तरु तरे धरे नैन सुख नीर चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर एक एक तरुलता का दर्शन करके मन में ये भाव उमड़े ये भावना स्फुरित हो कि ये तरुलता श्री प्रिया जी के कर कमलों द्वारा स्पर्शित है प्रिया जी अपने अपने करुणा के जल से इनका सिंचन करती हैं ये प्रिया जी के भी प्रेमास्पद हैं श्री जी सबकी प्रेमास्पद हैं प्राण आत्मा बाल
वो इस प्रेम तत्व की प्राण स्वरूपा आत्मा स्वरूपा है। पर ये जो वृंदावन की तरुलताएं हैं ये तो प्रिया जी की भी स्नेह भाजन है, प्रिया जी की भी प्रेम भाजन है। जब वृंदावन की तरुलताओं का दर्शन करें तो हृदय में ये भावना स्फुरित हो, यहाँ और कोई भजन तो है नहीं भाई, यहाँ और कोई साधन भी नहीं है, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर। इसलिए आपको कहा पहले व्यवहार साधना होगा भाई, पहले तन मन सधेगा फिर चित्त शुद्ध होगा, पहले आपको व्यवहार साधना होगा, व्यवहार में कठोरता बनी रही और मन यदि विषयों के सुख के पीछे दौड़ता रहा तो चित्त द्रवीभूत कैसे होगा? चित्त शुद्ध होगा तो द्रवीभूत होगा, और चित्त द्रवीभूत होगा नेत्रों से जब जब झलकेगा वो प्रेम जल, तभी तो वृंदावन के इस रस स्वरूप का दर्शन होगा। हमारे डोंगरे जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते थे जिस दिन ठाकुर जी का श्रृंगार करो और श्रृंगार करते करते प्रेम उमड़ आए, स्नेह उमड़ आए, नेत्र अश्रु जल से भर जाएं और श्रृंगार के बाद दर्शन न कर पाओ, मुझे श्रृंगार के बाद दर्शन न कर पाओ, उस दिन समझना आज ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार किया है। सेवा करते करते जब चित्त द्रवीभूत हो जाए, ये जो भी कुछ है ये चित्त को प्रेम के योग्य अनुकूल बनाने के लिए ही तो है। अब इस रहनी से रहेंगे तो फिर वृंदावन का जब वो जो कृपा तत्व है, जो कृपा शक्ति है, वो अपना कार्य करेगी और उसके बाद ये भाव विवलता, ये भाव दशा प्राप्त होगी। वृंदावन वास का फल तो यही है, वृंदावन वास का प्रसाद तो यही है। इसके अतिरिक्त तो भाई जो भी आप और मैं यहाँ पर पाते हैं वो तो कहीं भी पाया जा सकता है। ये जो प्रेम विवलता है, चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर गौर वरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद। इसके अतिरिक्त तो भाई सब संसार में मिलता है। एक ये है, एक ये भाव दशा है जो वृंदावन की रज, जो वृंदावन का वास आपको प्रसाद स्वरूप देता है। मिल जाए श्री जी की कृपा से ये प्रसाद मिल जाए, ये सुयोग बन जाए, तो भाई जो करने के लिए कहा जा रहा है उसे करने का प्रयास तो आपको मुझे अवश्य करना चाहिए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।